Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। बहुत समय के बाद मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। क्या करूँ, आजकल मैं अपना ज़्यादा प्रोडक्ट मंगा नहीं रहा हूँ। कोई काम की चीज़ें भी, काम की प्रोडक्ट भी तो होनी चाहिए, तभी तो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं काम की चीज़ें, काम का प्रोडक्ट का ही जो है वो रिव्यू करता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि आज जो है ये हमारा क्या प्रोडक्ट है, कौन सा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये ओरल पी का जो है वो मैंने मंगाया था, 300 या 350 के आसपास कुछ इसका प्राइस था। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश है दोस्तों, क्योंकि वैसे ये काफ़ी ज़्यादा जो है काम की चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल मतलब हम लोग देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि जो जनरल ब्रश हम लोग यूज़ करते हैं वो ब्रश से क्या हो जाता है, कभी कभी हम लोग का माउथ वाउथ ना कट उठ जाता है, या फिर कभी मसूरे वसूरों में हम लोग को चोट उठ लग जाती है। तो उससे बचने के लिए हम लोग जो है इलेक्ट्रिक टूथब्रश का मेनली यूज करते हैं, और कम ही टाइम में हमको ये पूरी तरह से क्लीन भी कर देता है, साफ भी कर देता है। वैसे अगर आप रियलमी का देखिएगा तो रियलमी का भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाई है। ये 350 में आपको ये ओरल बी का मिल रहा है, वो आपको 799 का मिलता है, ठीक है। उसका हेड भी आपको शायद सस्ते में मिल जाएगा, 250 या 275 में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा इसका हेड भी। तो आप 3 मंथ पर जो है, डेंटिस्ट बोलते हैं 3 मंथ पर जो है चेंज करने के लिए, तो आप चेंज कर दीजिएगा। चलिए हाँ, ये थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है, महंगा लग सकता है, बट माउथ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये। वैसे तो मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, मैं पहले जनरल ब्रश ही इस्तेमाल करता था, बट मैं इसको यूज करके देखूंगा ये कैसा है, उसके बाद मैं रिव्यू दूंगा कुछ दिन के बाद ये प्रोडक्ट जो है वो कैसा आया। एक्चुअली एक बार से अपने में ना उसको बहुत दिक्कत हो रहा है, ट्राइपॉड स्टिक। एक्चुअली ट्राइपॉड स्टैंड मेरा जो है वो है कोचिंग पर, तो फिर इसको फाड़ने में मुझे ना दिक्कत हो जाती है। वेल, पैकेजिंग तो ठीक ठाक है, बट देखते हैं कि अब मैंने इसको इतना पटका है, पता नहीं फूट उठ गया होगा या क्या। चलिए हम लोग देखते हैं इसको बचा है कि फूट उठ गया। ये रहा हमारा ब्रश, इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश। चलिए वैसे बच गया है, कोई टूटा वूटा नहीं है इसका। 599 इसका प्राइस है, 1 टूथब्रश, 1 ब्रश हेड और 1 बैटरी भी है। बैटरी भी दोस्तों इसमें है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका कुछ वारंटी सब नहीं मिलता है, ये इसकी दिक्कत है, इसकी प्रॉब्लम है। बट आई थिंक ओरल बी ब्रांड है, चल जाएगा शायद, ठीक है। कोई इसका जो है वो नहीं, सॉरी, कोई वारंटी नहीं यार, कोई कुछ नहीं। चलिए हम लोग इसको अलग करते हैं, देखते हैं। वैसे आपको ओरल बी के बहुत सारे ब्रश में आपको पीछे जो है टंग क्लीनर मिल जाता है, बट इसमें कोई टंग क्लीनर नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप रियल मी वाला में भी देखिएगा, उसमें भी टंग क्लीनर नहीं है, ठीक है। ये रहा हमारा हेड को कवर करने के लिए, ब्रश के हेड को कवर करने के लिए, ठीक है। और ये रहा इसमें हमारा नीचे, आई थिंक इसमें बैटरी लगा हुआ है, और ये आई थिंक स्विच है। ओके, ये है ऑन का स्विच और ये है ऑफ का स्विच। चलिए, काफी ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है ये। चलिए हम लोग उसकी बात करते हैं। तो ये रहा हमारा हेड रीजन जिससे हमको ब्रश व्रश में साफ करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये हेयर तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है। उसके बाद ये वाला रीजन हमारा, पानी वानी अगर चला गया तो पानी वानी इससे निकलने के लिए आई थिंक दिया हुआ है, हाँ यही दिया हुआ है, पानी वानी देने के लिए। तो हल्का सा पेस्ट हम लोग लगाना है इस पर, और इसको हम लोग दांतों पर लेकर धीरे धीरे हम लोगों को बिना ज़्यादा प्रेस किए हुए चलाना है, क्योंकि आपको पता होगा ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रेस कीजिएगा उतनी ज़्यादा ही इसकी बैटरी जो है वो क्या होगी,
खत्म होगी। तो चलिए मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, बैटरीज आई थिंक इसमें लगता है, ठीक है, इसके नीचे लगता है, ये खुलता है एक्चुअली हेड विजन, ये इसका मैं एक्चुअली आपको दिखा दूंगा दूसरी बार रिव्यू में, इसका जो है ये कैसा यूज हो रहा है क्या। ये तो फिलहाल अनबॉक्सिंग था, ठीक है, और 350 रुपये में मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि ये आई थिंक इतने अच्छे प्लास्टिक का क्वालिटी या कुछ आपको नहीं मिल सकता है इतने रेंज, कम रेंज में 350 रुपये में। अब रियलमी के देख लो आप, 799 या 800 के अप्रोक्स उसका है। उसके बाद आप ऑरल बी का ही दूसरा भी देख लो, दूसरा वाला भी उसका भी हाई है, तो सबसे सस्ते में तो यही मिल रहा है। कॉलगेट का भी आप देख लो, कॉलगेट का भी काफी महंगा आता है, तो चलिए एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। काम कर रहा है, ये ऊपर वाला रीजन लगता है मुझे घूम रहा है, और नीचे वाला जो रीजन है वो वाइब्रेट कर रहा है, जैसा मुझे देखने पर पता चल रहा है। यस, वही हो रहा है, नीचे वाला जो है वो वाइब्रेट करता है, ऊपर वाला जो है वो रोल करता है। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि इसे दांत हमारे टिथ जो है वो साफ अच्छे से होते हैं कि नहीं होते हैं, इसका मैं रिव्यू दूंगा। थैंक यू।